टीवी का धमाकेदार शो अनुपमा इन दिनों खूब धूम मचा रहा है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में इन दिनों कहानी छोटी अनु और अनुपमा के इर्द गिर्द घूम रही है। बीते दिन भी अनुपमा में दिखाया गया कि सभी छोटी अनु के एनुअल डे के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अनुपमा बाग के लिए खाना बनाने के लिए रुक जाती है। इतना ही नहीं, वो परी को संभालने लगती है जिससे वो लेट हो जाती है। दूसरी ओर ये सब देखकर अनुज का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन रूपाली गांगुली स्टारर अनुपमा में आने वाले मोड़ यहीं खत्म नहीं होते। अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा फंक्शन में लेट पहुंचती है, हालांकि वो स्कूल वालों के सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उसे एक मौका दे परफॉर्म करने का। वो स्कूल वालों से कहती है कि गलती मुझसे हुई है, लेकिन मेरी बेटी को इस चीज़ की सज़ा मत दीजिए। अनुपमा को देखकर स्कूल वाले भी उसे मौका दे देते हैं और वो छोटी अनु के साथ परफॉर्म करती है। अनुज को पता चल जाता है कि अनुपमा परी की वजह से एनुअल डे में नहीं आ पाती। वो परफॉर्मेंस के बाद अनुज की ओर उम्मीद भरी नज़रों से भी देखती है, लेकिन अनुज उसे देखना तक पसंद नहीं करता। यहां तक कि वो अनुज का हाथ थामती है तो अनुज गुस्से में अपना हाथ छुड़ा देता है। इस चीज़ को लेकर माना जा रहा है कि शाह परिवार के कारण अनुपमा और अनुज के बीच दरार बढ़ जाएगी, जिससे बाद में अनुपमा को परेशानी होगी। रूपाली गांगुली के अनुपमा में एंटरटेनमेंट यहीं खत्म नहीं होता। शो में आगे दिखाया जाएगा कि अनुज अनुपमा पर नाराजगी जाहिर करता है। वो शाह फैमिली को ताना मारते हुए कहता है, जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा वो मेरी बेटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे जितनी अच्छी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बनने दूंगा। तुम्हारे हाथ में जो चीज़ें हैं उसे संभालना सीखो, वरना कब वो बह जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।